गांधा समय बहुत हो गया। क्या है जी ये? मतलब अभी तक आप उसे भुला नहीं पाए हो? इतने सालों से झूठी गृहस्थी में जी रही हूँ मैं, आपको भगवान मानकर सती सावित्री की तरह जी रही हूँ मैं, और आप इस मरी हुई औरत को। यशोदा की आखिरी सांसों के वक्त तुम्हारी पाप भरी बातों में आकर मैं बहक गया और पाप कर बैठा। तब से लेकर आज तक मैं एक पापी इंसान की तरह जी रहा हूँ। सुनिए जी, आप क्रोध में आकर अपनी सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम में देंगे तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम्हारे तो कोई औलाद भी नहीं है, तो इस जायदाद का क्या करोगी तुम? मैं बे औलाद हूँ सोचकर कुछ भी करोगे? ये सारी जायदाद मेरे भांजे के नाम लिखो। उस पागल के नाम मैं क्यों लिखूंगा? क्यों नहीं लिखोगे? वो मेरा भांजा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कमजोर नहीं, मैं डायन बन जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और मेरे मौत का कारण तुम बनोगे। तुम समझ में आया ना? समझ में आया?